हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज असी करांगे मुहावरे। सब तो पहला अपनी बुक खोलो, पंजाबी व्याकरण ते लिखन कला, पेज नंबर 82। बेटा वीडियो नंबर 6 दे विच असी मुहावरे कीते सी 1 to 15 तक। न्यू सिलेबस दे अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म दे विच तुहाडे मुहावरे है 1 to 30। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा तो 1 तो लेके 15 तक रिपीट कर रही हूँ और 16 तो 30 तक अगले असी करने हैं। टोटल साढ़े कोल है 1 to 30, सारे असी अच्छी तरह याद करने हैं। नंबर 1 देखो, उंगल करनी दोष लाउना, बिना सबूत तो किसी वाल उंगल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, उंगलां ते नचाउना, अपनी मर्जी अनुसार काम करवाउना। उच्चे रुतबे वाले अफसर अपने अधीन कर्मचारियों नूं उंगलां ते नचाउंदे हन। अगले पेज ते आ जाओ। नंबर 3 है उग सुग मिलनी, पता लगना। उत्तराखंड विच आई कुदरती आफत कारण कई व्यक्तियों की उग सुग हजे तक भी नहीं मिली। नंबर 4, उन लाउनी मतलब लुटना, बधेरे कमाई करनी, दोनों विच कोई एक मीनिंग याद करना। कई दुकानदार हर गाहक की ऊन लाउन विच माहर हुंदे हन। नंबर 5, असमान सिर ते चुकना बहुत रोला पाउना। एतवार वाले दिन जो तो बच्चे इकट्ठे होके खेडते हैं तो सारा असमान सिर ते चुक लेंदे हैं। नंबर 6, अजकल करना टाल मटोल करना, किरपाल मेरिया किताबां वापस करन लई अजकल ही करी जा रहा है। नंबर 7, अग दे पा होना बहुत महंगा होना, अजकल हर चीज़ अग दे पा मिलती है। नंबर 8, अखां उत्ते बिठाउना सतिकार करना, पंजाबी घर आए मेहमान नूं अखां उत्ते बिठाउंदे हन। अकल ते पर्दा पैना मत मारी जाए, रमेश की अकल ते अजिहा पर्दा पिया है कि वह बुरी संगत विच पै गया है। नंबर 10, अखां पक जाना बहुत उड़ीक करनी, विदेशों विच गए पुत्रां नूं उड़ीकदियां मावां दी अखां पक जांदियां हन। नंबर 11, अखां मिट जाना मौत हो जानी, माता जी दी अखां मिट जाण मगरों सुखवंत दी हालत दिनों दिन बिगड़ रही है। आटे विच लून होना घट गिनती जां घट मिकदार विच होना, मिकदार बट कट के घट गिनती विच होना कर लेना। पंजाब विच बोधियां मतलब बुद्ध धर्म दे लोकां दी गिनती आटे विच लून बराबर दी है। नंबर 13, इट कुत्ते दा बैर होना बहुत दुश्मनी होनी, सब दे न्योले विच इट कुत्ते दा बैर हुंदा है। नंबर 14, एक अख नाल वेखना इको जिहा समझना, सबनों बराबर समझना। अध्यापक सारे बच्चों एक अख नाल वेखते हैं कि जो एक टीचर है वो क्लास के किसी नाल कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा। नंबर 15, इट नाल इट खड़काउनी तबाह करना, भूचाल विच बड़ियां बड़ियां इमारतों की इट नाल इट खड़काउन की ताकत हुंदी है। इज्जत नूं बट्टा लाउना नंबर 16। बेटा 15 तक असी कीते सी, मैं दोबारा रिपीट कर दिते हैं, अगले भी जिहड़े असी करने हैं। मान सम्मान घटाउना, जगतार ने नशेड़ियां दी संगत विच पै के अपने परिवार दी इज्जत नूं बट्टा ला दिता है। नंबर 17, सर करना जित प्राप्त करना, भारतीय फौजां हर लड़ाई सर करके हिस्सा लैंदियां हन। नंबर 18, सिर खाना रौला पाउना, बच्चो सिर ना खावो बाहर जाके खेडो। नंबर 19, सिर फेरना ना करनी, मैं कुलदीप तो किताब मंगी तो उसने सिर फेर दिता। नंबर ट्वेंटी, सदा दी नींद सो जाना मौत हो जानी जा मर जाना स्वर्ग सिधार जाना। सुनामी आउन नाल हजारा लोग सदा दी नींद सो गए सन। 21, हथ मलना पछताउना, जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो मगरों हथ मलदे रह जाते हैं। 22, हक्का बक्का होना हैरान होना, जद मदन दे पक्के दोस्त ने ही उस ते चोरी दा दोष ला दिता तां हक्का बक्का रह गया। 23, हवा नाल गल्लां करनिया बहुत तेज दौड़ना, मिल्खा सिंह जदों दौड़दा सी तां हवा नाल गल्लां करदा सी। 24, कन्न भरने चुगलियां करनिया, कईयां नूं एक दूसरे दे कन्न भरन दी आदत हुंदी है, कई लोगों नू एक दूजे के खिलाफ एक दूसरे नू भड़कान की आदत हुंदी है। 25, कन्नी कतराउना जी चुराउना, सानू मेहनत करन तो कदे भी कन्नी नहीं कतराउनी चाहिए, सानू हमेशा रज के मेहनत जड़ी है करनी चाहिए है, काम तो जी नहीं चुराना चाहिए। 26, खंड खीर होना इकट्ठे रहना मतलब मिल के रहना,
पंजाबी आपस विच खंड खीर होके रहिंदे हन। 27 खिचड़ी पकाउनी सलाह करनी, गुंडियां दे टोले ने भन तोड़ करन दी पहला ही खिचड़ी पकाई हुई सी, मतलब पहले ही सलाह कीती हुई थी। गदगद होना, बहुत खुश होना, अपनी लॉटरी निकलन दी खबर सुनदिया ही रमन गदगद हो गया। 29 गल पैना लड़ना, गल पैना मतलब लड़ना, सानू कदे भी किसी ते गल नहीं पैना चाहिदा। 30 गलों लाउना, पिछा छुड़ाउना, गलों लाउना मतलब पिछा छुड़ाउना। जड़े व्यक्ति लालची सुभा दे हुंदे हन उन्हां नूं गलों लाउना बहुत मुश्किल हुंदा है। एसी बेटा साडे मुहावरे फर्स्ट टर्म दे विच साडे मुहावरे आन के 1 to 30 तक। इहनूं कॉपी ते लिखण दी जरूरत नहीं, इहनूं बुक तो ही चंगी तरह जिहड़ा है तुसीं इसनूं याद करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।